हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे नए ब्लॉग पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग फिर से शुरू करते हैं। और दोस्तों, भी यहाँ पे मौसम भी अच्छा बना हुआ है, धूप लगी है, बढ़िया है मौसम है। तो दोस्तों, आज एक तो मुझे अभी स्प्रे करते हैं जरा बीन में, मैं स्प्रे कर लूँ। और दोस्तों, अभी थोड़ा आज पहाड़ी डिश बनी है घर पे, तो वो उसे कहते हैं सीढ़ें। तो दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और बाकी उसके बाद फिर देखते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद हम क्या करते हैं वो भी हम आपको फिर बता देंगे। पर फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा अभी मौसम दिखा दूँ बाहर, और उसके बाद अपनी जो पहाड़ी डिश सीढ़ें हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छी डिश है हमारी पहाड़ी में। और अगर कोई मेहमान आते हैं कोई, तो फिर हम उसको बनाते हैं, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। आइए फ्रेंड्स, मौसम दिखा लेता हूँ मैं। तो दोस्तों, आज का मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है दोस्तों आज, क्योंकि आज धूप लगी है दोस्तों यहाँ पे, आप इसे देख सकते हैं। ये है दोस्तों यहाँ का मौसम आज का। और मम्मी ने कुछ कपड़े भी धोए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये है दोस्तों यहाँ का मौसम आज का। बादल तो फिर भी बने हुए हैं, पर धूप निकली है दोस्तों, अभी बादल है कहीं भी आसमान में, बादल तो है दोस्तों, बार धूप या अच्छा मौसम बना हुआ दोस्तों अभी तो। ओके फ्रेंड्स, आपने मौसम देख लिया होगा, और फिर मिलते हैं बाद में आपको। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों इस टाइम हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो जो हमारी पहाड़ी डिश है, मेन डिश है दोस्तों, तो मैं उसको आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये दो किस्म से बनती है, एक ही हमारे ये दोस्तों होती है, इसको बोलती है मिट्टी सीढ़ें। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जैसे हम गुड़ होगा हमारा, उसको हम घोलेंगे दोस्तों, और कुछ उसमें आटा मिलाएंगे, और कुछ थोड़ा बहुत और भी सामान डालेंगे दोस्तों, उसको थोड़ा जिस तरह से मतलब चपातियां बनती है उस तरह से उसको मिलाएंगे दोस्तों, और फिर उससे पकाएंगे और पतीले में डाल देंगे दोस्तों। एक पतीला होगा गोल सा, या सिड्डू मेकर भी होते हैं दोस्तों वो, और फिर उसको उसमें उबालेंगे। तो ये दोस्तों उबाल के बनती है, ये उबालते हैं फिर। नंबर एक किस्म की बनती है दोस्तों मीठे सीढ़ें। और फिर जो नंबर दो है दोस्तों, वो होती है नमकीन। ये है दोस्तों नमकीन। तो इसको भी जैसे हम वो आटा बनाएंगे, और फिर दोस्तों जैसे नीचे उसको लगाएंगे तोए पे, उसके ऊपर फिर ये बहुत सी आइटम्स डालेंगे इसमें दोस्तों नमकीन के लिए। काफी सी आइटम होती है, जैसे तिल हो गया आपका, और चटनी बनती है, जैसे चटनी बनती है इसको बहुत सारी आइटम्स इसके अंदर डालते हैं, और नमक मिर्च और हल्दी वगैरह मसाले पूरे डालते हैं दोस्तों, बढ़िया करके डालते हैं। फिर उसको पहले नीचे आटे पे लगाएंगे, और फिर दोस्तों उसके ऊपर वो लेप लगाएंगे, मतलब वो जो हमारा चटनी टाइप है, और उसके ऊपर फिर लगाएंगे, और फिर बनती है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप कि ये बीच में इसके हमारे वो नमकीन बना हुआ है, और ऊपर और नीचे दोस्तों ये हमारे आटे का, तो ये। और फिर दोस्तों उसको इकट्ठे पतीले में डाल देंगे, या सिड्डू मेकर में डाल देंगे, और फिर उसको उबाल के करेंगे, और फिर फ्रेंड्स इसको खाते हैं। ये बहुत अच्छा डिश है दोस्तों, पहाड़ी डिश है ये। और फिर दोस्तों ये होता है हमारा, ये हमारी पहाड़ी में कितली बोलते हैं दोस्तों इसको, और इसके अंदर हम घी गर्म करते हैं दोस्तों, और फिर इसको हम घी को ऐसे ले लेंगे। ये दोस्तों हमने घी ले लिया इस, ये दोस्तों ये जो आइटम्स है सीने हैं, ये घी के साथ ही खाई जाएगी, या फिर जैसे नमकीन है हमारी, दही के साथ भी खा सकते हैं आप उसको। तो दोस्तों बस मैंने घी ले लिया है,
और फिर आपका पहले मैं स्टार्टिंग करूंगा मीठी सीड से। तो फिर दोस्तों ये हमारी मीठी सीड होगी दोस्तों। जब हमारी ये समाप्त हो जाएगी दोस्तों, इस तरह तोड़ लेंगे, रख लेंगे प्लेट में, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर दोस्तों इसके बाद नमकीन, नमकीन का दोस्तों अपना फंडा है कि आप चाहो तो उसको मतलब घी के साथ खा लो या दही के साथ खा लो, वो मर्जी दोस्तों आपकी अपनी है। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा जो हमारी स्पेशल डिश पहाड़ी डिश है, आपने इसको देख लिया होगा और थोड़ा समझ भी लिया होगा। ये हिमाचल प्रदेश का है दोस्तों, स्पेशली पहाड़ी डिश, राजगढ़ इलाका है हमारा इधर सिरमौर, तो इधर से है दोस्तों। तो ओके फ्रेंड्स, फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद मिलते हैं फिर आपसे। ओके फ्रेंड्स, ओके मिलते हैं फिर आपसे दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों मैं अभी इसके बाद शेर आए हैं अभी हम, तो यहाँ पे थोड़ा शिमला मिर्च का तुड़ान था दोस्तों, तो ख़राबी इसमें काफ़ी हो रही है दोस्तों। शिमला मिर्च अभी तो वो भी हमने फेंक दी है, और बाकी जो थी कुछ ठीक थी वो हमने तोड़ दिया दोस्तों। बाकी मैं पहले नहीं बना पाया, थोड़ा जल्दबाजी में था, मैंने कहा कहीं लेट ना हो जाए, तो इसलिए दोस्तों हमने तुड़ान तो कर दिया है फिलहाल। और बाकी अब इसको घर ले 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 गया हूँ दोस्तों मैं। बाकी मैं ये दिखा देता हूँ थोड़ी शिमला मिर्च आपको, पौधे दिखा देता हूँ, तोड़ दिए दोस्तों हमने, पौधे देख लो बाकी अब। तो ये स्थिति है दोस्तों इस टाइम शिमला मिर्च की यहाँ पे, और बस ये है दोस्तों अभी शिमला मिर्च। बुरा ही हाल है, भी ठीक नहीं है वैसे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके ओके बाय, ओके बाय। तो दोस्तों मैं अभी शेर गांव में ही हूँ दोस्तों, यहाँ पे, और जहाँ पे हम गाड़ियाँ खड़ी करते हैं हम वहीं पे हैं दोस्तों। तो वैसे ही मैं आपको थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ जहाँ हम गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, और वैसे गांव का भी थोड़ा बहुत वैसे ही दिखा देते हैं। आओ दोस्तों मिलते हैं, आओ आओ दिखाता हूँ यहाँ। तो फ्रेंड्स ये हमारी सड़क आई है नीचे से ऊपर, और यही इधर आगे, बाकी इधर साला, इधर दोस्तों हमारे ऊपर गांव भी है इधर, को आप देख सकते हैं इधर। ये हुआ दोस्तों यहाँ पे गांव हमारा, ये हमारे भाई भी है इधर, इधर ये दोस्तों, और यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होगी हमारी। ये है दोस्तों इधर की सीनरी, और इधर पीछे आएंगे दोस्तों, इधर भी गांव है ऊपर को हमारा, पीछे को ये है हमारा मंदिर दोस्तों, इधर ये है दोस्तों यहाँ की, और इधर हमारी गाड़ियाँ खड़ी होगी इधर नीचे, सभी गांव वाले यहाँ पार्किंग करेंगे दोस्तों। ये हमारी आंगनबाड़ी है दोस्तों ऊपर को यहाँ पे, और ये है दोस्तों यहाँ का इधर का नजारा, और ये है दोस्तों इधर को पार्क, भी इधर गांव है हमारे इधर। ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये सीनरी हमारी शेर गांव की दोस्तों ये, और इधर लोगों की दोस्तों गाड़ियां पार्क होंगी। ये होगी दोस्तों, आगे दोस्तों इधर ये है, इधर को भी है जमीन हमारी, इधर को भी है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इधर पार मकान भी है दोस्तों, इधर ये इधर को है दोस्तों ऊपर को, और इधर भी गाड़ियां हैं दोस्तों, और ये हमारा गांव दोस्तों इधर शेर गांव। ये है दोस्तों यहाँ पे
और बाकी इधर की सीनरी इधर है दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ नीचे थोड़ा मकान भी बन रहा है दोस्तों, और आपका देवदार है दोस्तों इधर पास में। आपको हमारी बस्ती है दोस्तों इधर, हमारे गांव के भाई इधर रहते हैं, और ऊपर दोस्तों वो हमारा टॉप है ऊपर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा टॉप है ऊपर जहां पे पैराग्लाइडिंग का है दोस्तों, टूरिज्म पैराग्लाइडिंग वगैरह बहुत अच्छा है दोस्तों ऊपर वहां पे। अभी मैंने दिखाया नहीं है दोस्तों आपको, उसे मैं दिखाऊंगा आपको बाद में। और ये सीनरी है दोस्तों यहाँ हमारे शेर गांव की, आप इसको देख सकते हैं, इधर हमारी गाड़ियाँ होती हैं। और थोड़ा यहाँ ऊपर जाके दिखाता हूँ मैं आपको, आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा हम नजदीक से दिखा रहे हैं दोस्तों आपको, यहाँ से शुरू होगा दोस्तों गांव हमारा इधर आगे, और पीछे इसके पीछे भी यहाँ घर है दोस्तों ऊपर को, ये फिर इधर पार हो गया इधर, तो ये है दोस्तों हमारा गांव शेर। और दोस्तों ये हमारी गाड़ियाँ होगी यहाँ से, आपने सीनरी का मजा लिया होगा, बहुत अच्छा सीनरी है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, टॉप में दोस्तों ये हमारा गांव, बहुत अच्छा व्यू बनता है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल टॉप पे है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं दोस्तों बाद में आपसे, ओके ओके, आपने देख लिया होगा, मजे ले लिए होंगे दोस्तों आपने, बाकी मिलते हैं आपसे बाद में, ओके फ्रेंड्स, ओके बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों हम शेर से आ चुके हैं और हमें अब अगला काम करना है दोस्तों, रोटी वगैरह खानी है, बाकी वो सारा जो है शाम का वो काम करना है दोस्तों, तो फिर हम अभी उसे करते हैं और मिलते हैं आपसे लास्ट में बाद में फ्रेंड्स, तो ओके फ्रेंड्स, चलो फिर हम अपना अपना काम करते हैं शुरू और लास्ट में मिलते हैं आपसे, ओके फ्रेंड्स, ओके। हेलो गाइस, तो दोस्तों हमने खाना खा लिया है, दूध भी पी लिया है, ब्रश कर लिया दोस्तों, अपना सारा काम हो चुका है दोस्तों, तो हम आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, और कल मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और फिर कल मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ फ्रेंड्स, और शुभ रात्रि दोस्तों, वंदे मातरम, कल मिलते हैं फिर कल, ओके बाय फ्रेंड्स, ओके बाय।